डायमंड्स? आई डोंट नो एनीथिंग, सब ऊपर वाला जानता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। शुक्रिया। सॉरी सर, रैना ने कुछ नहीं दिया। सेफली मेरे हाथ पहुंच गए। जैसा बोला था ठीक वैसे ही करके दिखा दिया तुमने। खुशी हुई। थैंक्स रैना। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे मेरी कीमत चाहिए। महाबलीपुरम में एक प्राइवेट बंगलो और प्राइवेट बीच, यही चाहिए ना तुम्हें? मेरी कीमत उससे बहुत ज्यादा है रैना। और वो डायमंड्स जो कि तुम्हारे पास है रैना, वो तुम्हारी कीमत है। सर, दिस ऑल आर डुप्लीकेट्स। रैना, तुम सोच कर खत्म करते हो और मैं सोच कर शुरू करता हूं। सी यू सून। Good morning. Welcome, sir. Thank you. Have a nice journey. हाँ इंदु, अशोक ने मुझे बताया है। मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। मैं फ्लाइट में हूँ। सागर, मेरे पति को। अरे इंदु, मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। I promise. इनके पिताजी को तो आप जानते हैं ना सर, करुणानाथन पालाघाट में पार्टी ऑफिस सेक्रेटरी थे। हाँ, अगर मैं आपको नहीं भी बताऊंगा तो भी आप समझ जाएंगे सर। अगर उनके काम के बारे में बोलना शुरू करूं तो खत्म ही नहीं होगा। आदमी की पहचान उसके किए हुए काम से होती है सर। मैं आपको याद दिलाता हूं कि वो क्या चाहते थे सर, और उसे पूरा करना हमारा फर्ज बनता है। हमारे घर पर आकर मेरे पिताजी से हमारे घर की लड़की के बारे में बात करने वाले तुम कौन हो? मैं इसका अच्छा दोस्त हूँ। तुम दोस्त के बारे में बात करो या दोस्त के लिए बात करो, लेकिन यहाँ नहीं करना है। हरी, हुँ।
जो भी हो मैं इंदु से बात कर लूंगा। ओके सर। दोस्त के बहाने यहां रिश्ता बनाने का सपना तो बिल्कुल मत देखना, इसके लिए मेरी मंजूरी चाहिए। तब तक क्या ये इंतजार करेंगे? करोगे? शादी की बधाइयां। Wish you happy married life. Happy married life. ओके, एक फोटो। किस मंदिर में जाने की बात कर रहा था वो? मुखाम्बिका मंदिर। ओ, मुखाम्बिका। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मेरे पास सारे अधिकार हैं, लेकिन फिर भी मुझे मदद की जरूरत पड़ रही है। लेकिन ये बात सभी लोग नहीं समझ सकते। मैं समझ सकता हूँ सर। घबराओ मत, वापस आते वक्त मनु के साथ ही आऊंगा। ठीक है। ये उसको बचाने जा रहा है। तुझको पुलिस की नौकरी किसने दी? तेरे बाप ने। बुढ़ापे में दिमाग काम नहीं करता, इसीलिए बेकार और फालतू लोगों के साथ रहते हैं। जल्द ही समझ में आ जाएगा। तुम्हारा टेंशन तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रहा है, जाकर अच्छे से मुंह धो लो। अरे भाई ब्रदर, तुमको थोड़ी भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, तुम्हारे चेहरे के भाव नहीं बदलने चाहिए। देखो तुम्हारा ड्रामा बिल्कुल वर्कआउट नहीं हो रहा है, जाकर शीशे के सामने थोड़ी और प्रैक्टिस करो। अशोक, गोवा में साइमन को ये बात बतानी ही पड़ेगी, फिर हमारे जो चहेते हैं जॉनी या अजहर को बुलाना ही काफी है। अब इस सीन में कोई और नहीं चाहिए। अभी सीन में कोई और नहीं है, मैं करेक्ट हूं ना? अजहर अभी कहाँ है? कहाँ हो सकता है? जैकी, ओके, आप बोलिए तो अभी एक मिनट में आपके सामने खड़ा करता हूँ, एक मिनट में। क्यों, अभी मैं करेक्ट हूं ना? एक घंटे में सबको लाकर मैं जैकी के आगे खड़ा करता हूँ। जैकी मैं क्या करूँ, अपनी आदत से मजबूर हूँ, कुछ ज्यादा ही बोलने की आदत है मेरी। मैं अभी जाता हूँ। अबे स्टीव। अरे कौन? अशोक भाई, कैसे हो? इधर आओ, तुमसे एक काम है। इसे संभाल। क्या हुआ अशोक भाई? तुमको जैकी ने याद किया है। जैकी भाई ने? हाँ अशोक भाई, बोलो। हाँ मैं अभी आता हूँ। अजहर लड़की देख कर गया है। तो अगले महीने में तारीख तय कर सकते हैं ना? हाँ जरूर, हमें कोई एतराज नहीं। अब इन दोनों को कुछ आपस में बातें करनी है तो। बात नहीं करनी है, सब ओके है, मैं चलता हूँ।
जैकी भाई, रैना ने ही इन प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया है। वो अक्सर गोवा विजिट करता रहता है। यहाँ रोसारियो ब्रदर्स के क्लब में जम के गैम्बलिंग होती है। माइकल, डेविड, साइमन, इन सब का नाम गोवा में छोटे बच्चे भी जानते हैं। गोवा के सारे क्लब्स में डेविड रोसारियो का क्लब पैराडाइज यहाँ का जन्नत है। हर रात लोग यहाँ बेइंतहा पैसे लुटाते हैं। रैना ने रिसॉर्ट खरीदने का प्रोजेक्ट्स बनाकर अरबों रुपए रोसारियो ब्रदर्स से लिया है। अभी प्रोजेक्ट्स भी नहीं है और पैसे भी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने ही उसको किडनैप किया होगा। मनु किडनैप नहीं हुआ है, उनकी कस्टडी में है, ये बोलना सही रहेगा। जैकी भाई, मुझे तो लगता है कि ये सारा खेल रैना का ही रचा हुआ है। ये रोसारियो की टीम को तो जैकी भाई जानते हैं ना, पोर्ट कोची में वो स्टीव अंकल का। अच्छी तरह जानता हूं मैं। अंकल बीच समंदर में भी पानी को भी चाट कर पीते थे, और वही खून उसका भी है। उसने जो भी पैसे खर्च किए हैं उनकी सूद सहित वसूली किए बिना वो मनु को छोड़ देगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मनु अभी कहाँ है? नो आइडिया। गोवा पूरा रोसारियो के हाथ में है। क्लब्स, पब्स, कैसीनो, बहुत सारी प्रॉपर्टी है उसकी। तब तो मजा आएगा। और पैसा देने से? भाई आप कहना क्या चाहते हैं? हम उसके किसी साथी को खरीद तो सकते हैं ना। बहुत ज्यादा मांग रहा है वो, एक सवाल का 5 लाख। तो हमें उससे कोई सवाल नहीं पूछना। मुझे बचा लो जैकी। चलो। चलो।
के लिए भी जस्ट लीव हिम, ये तुम्हारा काम नहीं है जैकी। इन ऑलवेज इट्स माई ट्रबल, ये मेरा काम है, मैं उसको ले जाऊंगा। जैकी ये गोवा है। गोवा हो या तेरे पाप की खरीदी हुई जगह हो, जैकी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सही सलामत है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं। अब अगर तुम बीच में आए तो बिना बात किए तुझे काट डालूंगा, तो रास्ता छोड़ो डेविड रोसारियो। क्लोज द डोर्स। की कार लेकर आया था, उसको अपने साथ लेकर चलते हैं। कार कहाँ है? क्लब की पार्किंग में। लीव इट, उसको बाद में ले लेंगे। ऐसा मत बोलो यार, बस कार ले आओ ना प्लीज। मैं जाकर ले आता हूँ, अभी जाता हूँ। नहीं नहीं सुनो, कार अभी नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा भाई, आप जाइए, मैं पहुँच जाऊंगा। अजहर कहाँ है? डरो मत मनु, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ है। तुम सही सलामत मिल गए ना, अब आओ। वो क्या है ना जैकी, ऐसी हालत में घर जाना अच्छा नहीं होगा। चलो हम थोड़ा फ्रेश होकर जाएंगे। चलो सुनो, उसे कुछ भी मत पूछना। मुझे कुछ नहीं पूछना और ना मुझे कुछ जानना है, मुझे इन्होंने इज्जत दी ही कब है। भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पैसा कमाने के लिए पहले किडनैप होते हो फिर बचाए जाते हो। अच्छा नाटक कर लेते हो। मैं चलता हूं। मनु तुम कुछ दिन आराम करो।
एक बात समझ में नहीं आई कि जो काम पूरी पुलिस नहीं कर सकी वो तुमने अकेले ही कर दिया। हरी, बेकार की बातें मत करो। तुम चुप रहो, ये मर्दों के बीच की बात है। अरे छोड़ो इंदु, एक बात और, मैं सिर्फ इंदु इंदु की वजह से कुछ नहीं बोल रहा। अरे क्या भाई, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? नशा उतर गया क्या? सुनो, ये यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि इसके पापा का घर है। अगर तुम यहाँ गोली चलाओगे तो पुलिस पकड़ लेगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ भी नहीं कमाया, मैं जानता हूं, लेकिन तुमने अपनी खुशी छोड़कर मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज किया। मेरे लिए सिर्फ तुम ही हो, इकलौती कमाई। ये सब बातें मुझसे क्यों कह रहे हो? वो मैंने मन की बात ही बोली है। मैं सब जानती हूँ, ऐसा कोई भगवान नहीं जिसकी मैंने पूजा ना की हो। मंदिर मंदिर जाकर पूजा की, तुमको मैं दोबारा देख भी पाऊंगी या नहीं पता नहीं था। अभी तो हमारी जिंदगी की शुरुआत ही हुई थी। उसकी आदत तो तुम्हें मालूम ही है, मन में कुछ मत रखना प्लीज। अपने बेटे के बदले मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अरे नहीं सर, जिनके पास कुछ नहीं होता ऐसे दुखी इंसानों को तो देखा होगा, लेकिन सब कुछ होने पर भी दुखी इंसान देखा है? जिंदगी में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हम जो जिंदगी से चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलता, इसी बात का तो दुख होता है। जिस इंसान की जिंदगी में ऐसे लोग हों उसकी जिंदगी नरक बन जाती है, उसके माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। मनु को बचाने का मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया अदा करूं सर? और कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस और रिसोर्ट वगैरह? अच्छा है सर। अरे कौन है ये, साउथ इंडियन या नॉर्थ इंडियन? वैसे तो मैं पूरे हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। नमस्ते जी, आपको मुझसे कोई मदद चाहिए? बोलिए ना, मैं तो मदद करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। जैकी है दैत तेरी, तो इसे भी मेरी जरूरत नहीं। खैर छोड़िए, ऐसा तो हमेशा होता रहता है। आइए आइए आइए, आप भी आइए आइए। वेलकम रैना, व्हाट अ सरप्राइज, इन कपड़ों में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे ऐसा कुछ नहीं भाई, गाँव में भांजी की शादी है, अगर आप नहीं आएंगे तो शादी नहीं करूंगी, जिद करके बैठी है। उसको क्या मालूम कि मेरे सर पर अलग अलग गवर्नमेंट ने रेट फिक्स करके रखा है, और वैसे भी अपने गांव की हवा खाए बहुत दिन हो गए थे, इसीलिए सोचा गांव की खबर लेकर अपने भाई से मुलाकात भी हो जाएगी। थैंक यू, आई एम ऑनर। ये आपके दोस्त हैं क्या? ये रहे तुम्हारे महाबलीपुरम के बंगले और प्राइवेट बीच हाउस के डॉक्यूमेंट्स, ये लो। थैंक यू। हाँ जैकी, तुम्हारे और रोसारियो ब्रदर्स में कोई टेंशन है क्या? ऐसा है तो बोलो, बात करके खत्म करते हैं, क्यों बेकार की परेशानी रखते हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहना, प्रॉब्लम उनको है। अगर मैं उनका दुश्मन हूं तो वो उनका प्रॉब्लम है। हाँ, अच्छी जगह और अच्छी बिजनेस, चेहरे पर रौनक दिखती है। अच्छे लोगों के साथ भी रहता हूँ और इसीलिए हमेशा अच्छा रहता हूँ। और तुम यहाँ कितने दिन रहने वाले हो? आज शाम को ही बैक टू दुबई। कितना हुआ?
300 रुपये। 300 रुपये? मैं इतना ज्यादा नहीं देने वाली हूँ, बस 100 रुपया ही दूंगी, मैक्सिमम 150 ले लो। नहीं जी, पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ गया है। पेट्रोल के दाम के लिए मैं क्या करूँ, 50 रुपये दो। ए, कहाँ जा रहे हो, बाकी के पैसे देकर जाओ। सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए आ जाते हैं, देता हूँ। चलो। हेलो मिस्टर, उन पैसों को उठा कर दो। है, तुम उठा लोगी तो क्या हो जाएगा? आरती, सनी, पैसे यही उठा कर देंगे। नहीं दिए तो? ये जगह अलग है, अगर सारे ड्राइवरों को बुलाऊंगा ना तो मुश्किल में पड़ जाओगी मैडम। ओह ऐसा है, चलो जिसको बुलाना है बुला लो, कोई भी आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैसे उठा कर दिए बिना तुम जा नहीं पाओगे। लाओ, हम सभी लोग सुबह शाम जो मेहनत करते हैं वो इसी के लिए। थैंक यू भैया। सनी चल। Attention please, Mr. Sagar traveling to Chennai is requested to contact the Jet Airways counter immediately. Attention please, Mr. Sagar traveling to Chennai is requested to contact the Jet Airways counter immediately. Open. ये दिल्ली फ्लाइट कितने बजे है? 5:15 सर। ऐसा क्या? अच्छा, हैदराबाद की फ्लाइट कितने बजे है? 6:30 सर। तो यहाँ से चेन्नई की फ्लाइट नहीं जाती है क्या? 7:20। Where do you want to go, sir? फ्लाइट। तो आपको क्या प्रॉब्लम है सर? बताइए क्या प्रॉब्लम है? क्या लाइफ में कभी लड़की नहीं देखी आपने? नहीं नहीं, देखी तो है, मगर वो बात नहीं की है मैंने। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। क्लोज्ड। नमस्ते। I'm Sagar. Sir, here's your boarding pass. Have a nice journey, sir. Thank you. रीमा, होम मिनिस्टर पहुंच गए? नहीं, बस पहुंचने वाले हैं, अभी फोन पर बात हुई। ओके। सनी, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मुंबई तक। ओके। वैसे तुम तो कैमरा लेकर आई हो, काम क्या है? होम मिनिस्टर का इंटरव्यू लेने आई हूँ। आरती। ओके। चलती हूँ सर। वो तो मैंने देख लिया। सर, एक सेकंड। वो देखिए, आप लोगों के जितने भी सवाल थे मैंने प्रेस मीटिंग में उन सभी का जवाब दे दिया। मुझे वो नहीं पूछना सर, सीएम के दामाद का किडनैप होना और उसका बचना एक ड्रामे की तरह लगता है। दोनों स्टेट की पुलिस ने इतनी मेहनत के बाद मनु को बचाया है, ये आपको ड्रामा दिखता है? सर, हमारा चैनल लोकल चैनल नहीं है, ये नेशनल चैनल है, आपको भी पता है। इस केस में गोवा पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन नहीं था, इसका सबूत हमारे पास है। देखिए, आप मीडिया वाले कुछ भी कह देते हैं। ऐसा नहीं है सर, मैं तो बस ये पूछना चाहती हूँ, इस किडनैपिंग के पीछे माफिया कनेक्शन वाले सागर इलियास जैकी इन्वॉल्व हुए थे, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो इसकी सफाई आप दे सकते हैं? फ्लाइट का समय हो रहा है। सर, ये तो हमारे सवालों का जवाब दिए बिना ही चले गए। हाँ, जाने दो, हम खुद इसकी स्टोरी बनाते हैं। मैं जाकर एग्जिट पास लेता हूँ। ओके, मैं कॉफी शॉप में बैठी हूँ। अरे सर, आप अभी तक गए नहीं? ओ आरती, फ्लाइट लेट हो गई है, क्या हुआ, काम हुआ? नहीं हो पाया सर, पॉलिटिशियंस तो हमेशा यही करते हैं, हम सवाल कुछ और करते हैं और वो जवाब कुछ और देते हैं। तुम्हें उसे उकसाना नहीं चाहिए था। थैंक्स। सर, आपके जैसे सीनियर रिपोर्टर के आने पर भी सागर इलियास जैकी जैसे इंसान से बात करना मुश्किल हो रहा है। बट वन थिंग इज श्योर सर, सागर इलियास जैकी और यहाँ के पॉलिटिशियंस के बीच में कोई खास रिलेशन जरूर है, और बहुत ही जल्द मैं इस बात को साबित कर दूंगी। ओके ओके, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। अभी तक सनी नहीं आया। आरती, बिना वजह के दो लोगों ने मुझे बहुत मारा है। इतने हट्टे कट्टे होकर भी दो लोगों से पिट कर आ गए, तुमसे बेहतर तो लड़कियां हैं। वो कौन थे पता है तुम्हें? कौन लोग थे मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे मारने लगे और जो शूट किया था वो कैसेट लेकर चले गए। आ...
सैंडविच नहीं है क्या? ओ हेलो, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ सर? अजहर की माँ थी। ओ, हमें वहाँ जाना होगा। लड़की देखते वक्त कुछ और नहीं देखना है बोलकर गया था। उसके अब्बा भी नहीं है, वो आपके साथ गया था इसलिए कोई फिक्र नहीं थी। 2 दिन हो गए हैं, उसकी कोई खबर नहीं है। जब उन्होंने फोन किया था तो बोले मोबाइल रिपेयर के लिए दिया है, और अब जब फोन किया तो फोन स्विच ऑफ बताता है। क्या हुआ होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो आपके पास आया था ना? मैंने उसे एक जगह पे जरूरी काम से भेजा है। तुम इतना सीरियस होकर क्यों खड़ी हो? तुम्हारा अजहर कल आ जाएगा। अजहर के काम का क्या हुआ? हाँ, वो तो कब का डीजीपी को बता दिया था। क्या कहा? वो तो उसकी पूछताछ कर रहे हैं। तुमने जब बुलाया था तो मुझे लगा कि बहुत बड़ा काम होगा। तुम्हारी मुसीबत के समय हम तुम्हें बचाने के लिए वहाँ गए थे, इसीलिए तुम यहाँ खड़े हो। और तुम्हारी कार लाने के लिए ही मैंने अजहर को भेजा था। अरे वो बात ठीक है जैकी, मैं समझता हूँ। एक तरफ सीएम को मिलने के लिए वीआईपी आए हैं, और दूसरी तरफ वहाँ पर बहुत सारी आम पब्लिक भी खड़ी है। तुम्हारा अजहर और उस हजाम से दूरी रखने का वक्त आ गया है। बहुत इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। शट अप। जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने स्वार्थ के लिए जीता है, उसकी नजर में इमोशंस का कोई मूल्य नहीं। चाहे सीएम हो या खुद भगवान ही तुम्हारे सामने आ जाए तो भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी मदद के बिना अजहर को कैसे बचाना है मुझे पता है। ना जाने क्यों मुझे उसकी बात से बहुत खुजली होती है। वो क्या मेरा बाप है जो मैं उसकी सारी बातें सुनता रहूं? मनु प्लीज, छोटी छोटी बातों को बड़ा करके परेशानी क्यों बढ़ाते हो? सागर ने जो हमारे लिए किया है क्या हम उसे भूल सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? मैं जिंदगी भर उसका गुलाम बनकर जीता रहूं? अब उसको फोन करके ये सब बताने की जरूरत नहीं है। मुझे भी गुस्से में बोलने की आदत है। भाई, सब जगह पूछ लिया है मैंने, नो इन्फॉर्मेशन। लेकिन रोसारियो के कारपोर्च में एक कार का रजिस्ट्रेशन नंबर केरल का है। जैकी भाई, कहीं रोसारियो। Hello, Jackie. You are always welcome. Yeah. Okay. Clear off. Hey, come on, kids. Go play outside. What you think?
सागर एलियास जैकी। अभी तुम गोवा में भी फेमस हो? पता नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं। Want a drink? No. तुम्हारा मैंने बहुत नाम सुना है, दुबई में, फिर यहाँ गोवा में। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारा काम। अच्छा जैकी, ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट का तुम्हारा रेट क्या है? वैसा कुछ नहीं है, जैसा काम होता है वैसा ही रेट होता है। रोसारियो, मुझे अजहर चाहिए। आहा, तो तुम किसी कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ आए हो? इसका क्या चार्ज है? Come on, tell me. इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई पैसे का हिसाब नहीं है, बस मुझे अजहर चाहिए। मैंने उसकी बीवी को वचन दिया है। तुमको मालूम है ना, मैं एक बिजनेसमैन हूं, नुकसान का हिसाब मैं नहीं रखता। तुम पहली बार मेरे घर आकर मुझसे कोई मदद मांगने आए हो, तो तुमको ना करने का मेरा मन नहीं है, लेकिन मैं मदद नहीं करूंगा। मेरी मां है, मेरी फैमिली है, और वो मेरे लिए सबसे अहम है। तेरे ही गिरोह के एक आदमी ने मुझे प्रोजेक्ट दिखाकर मुझसे करोड़ों रुपए लेके जा चुका है, फिर भी तुम मेरे ही भाई को? तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है उसे मैं भर दूंगा, अगर पैसा है तो पैसे से, और यदि कुछ और डिमांड्स है तो बोलो, मैं पूरा करूंगा। मेरा एक ही डिमांड है, मुझे मनु चाहिए। तुम्हें मालूम है ना रोसारियो, ये मैं नहीं कर सकता। फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाओ। रोजारियो ब्रदर्स के साथ चाल करके तुम आदमी तो क्या, यहां से कुछ भी नहीं ले जा सकते। मैं एक नए प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें बता रहा हूं, और पार्टनरशिप का ऑफर भी दे रहा हूं। जल्दी नहीं है, आराम से सोचकर बताना। यह है तुम्हारा भाई डेविड रोसारियो, यह स्टीव है, और यह उसका सैलून है। पहले जैसा शेव नहीं करता है, सिर्फ कटिंग करता है, कटिंग में वो एक्सपर्ट है। ओके, तो अब मैं चलता हूं, जब भी समय मिले मेरे पास आ जाना, और हम लोग वहां मिलकर पार्टनरशिप क्लोज कर लेंगे। हेलो, हे, ये क्या रोसारियो, बच्चे हैं ना, कम ऑन। थैंक यू।
डोंट वांट टू कम, मैं नहीं जाऊंगा, ये मरना चाहिए, जस्ट किल हिम, रिलैक्स रिलैक्स ब्रदर, मैं देख लूं, जैकी यू प्लेड अ नाइस गेम, मनु को मैं भूल जाता हूं, पैसे को भी, लेकिन जैकी तुम ये याद रखना कि इस रास्ते पर तुझे कभी ना कभी तो आना ही पड़ेगा, मैं यही रहूंगा तुम्हारे बताए हुए पार्टनरशिप क्लोज होने तक, तुम्हारी ये जगह मैं इतनी जल्दी नहीं भूलूंगा, जैकी इस जगह को तुम भी याद रखना, मैं यादों में नहीं जीता हूं रोसारियो, तुम अपने आदमियों को लेकर चले जाओ, अभी जाओगे तो जल्दी घर पहुंचकर अपनी मां को देख पाओगे, गेट इन साइड, Why do you want to go Kerala, sir ji? What do you mean? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केरला में कुछ भी नहीं है, बहुत गर्मी है, कुछ नहीं है वहाँ, वहाँ की भाषा जानते हो तुम? नहीं जानते हो ना? तो फिर वेलकम वेलकम वेलकम। कैसी है? बेचारा केरला जाना चाहता था। क्या अशोक भैया? यहाँ क्या हो रहा था जैकी को मत बताना, ठीक है? नमस्कार सर, आइए। कैसे हो जैकी? मुझे कुछ डाउट था लेकिन अभी बिल्कुल क्लियर हो गया है, अब कोई डाउट नहीं है, मैं बाहर जाकर। अरे नहीं नहीं, वहीं रुको, टेंशन मत लो, यहाँ पर सब अपने ही लोग हैं। तुमने उसे फोन किया था क्या? फोन किया था ना, 24 घंटे तो यही काम है उसका। वो रिपोर्टर है ना, इतनी छोटी सी लड़की को इतनी बड़ी नौकरी, उसका घमंड तो देखो, किसी से बात भी नहीं करती, अपनी माँ से भी नहीं, लेकिन वो यहाँ पर किस लिए आई होगी? जैकी संभालो, वो जरूर हमें फंसाने आई होगी, बी केयरफुल, उसके सामने कुछ भी मत बोलना, डेंजर है। ओह, इस बार तो कॉन्टेक्ट लेंस लगवा ही लूंगा।
सर क्या है? कोई चैनल वाले आपका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। उनको जाने को बोलो, सुबह सुबह आ जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। बोल तो आ रहे हैं। ठीक है मैडम। बेइज्जती होने के लिए मैं सवालों का जवाब नहीं दे सकता। जवाब देना पड़ेगा, डिप्लोमेसी का वक्त है, जवाब देना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, मैंने बहुत देर कर दी। नो सर, आई एम आरती मेनन फ्रॉम CNN। आपको अपना परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, रोज हम आपको देखते हैं। तो हम यहाँ शुरू करें या बाहर चलकर? जैसा ठीक है सर। सनी सर, क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्ट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी की सिचुएशन देखकर लग रहा है कि आपका फ्यूचर काफी शेकी है, क्या कहना चाहेंगे? नो कमेंट्स। अगला प्रश्न। ऐसा सुनने में आया है कि सीएम की कुर्सी आपको नहीं बल्कि आपकी बहन को मिलेगी। अब वो तो जनता ऐसे ही बोलती है। जनता नहीं बोलती है सर, ये आपके पिताजी का ही स्टेटमेंट था कि अगला सीएम मेरा बेटा नहीं मेरी बेटी बन सकती है। ये सब तो आपकी सोच है। आपके जीजा जी की किडनैपिंग में आपका हाथ था, अगर मैं ये सवाल करूँ तो? अगर तुम ही प्रश्न और उत्तर दोनों बोलती हो तो सिर्फ उसमें ही नहीं और भी चीजों में मेरा हाथ है। मुझे अपनी बहन के साथ क्या करना है ये तुम बताओगी? जी। अरे जाओ ना, एक माइक क्या पकड़ लिया, तुम मेरे घरेलू मामले में पूछोगी? इस माइक को पकड़ने के अलावा ज्यादा पैसे मिलने वाला एक और भी काम है, अगर मैं ऐसा बोलूं तो? जो देखा नहीं है उसमें भी सब विश्वास करेंगे। शट योर ब्लडी माउथ। आप एक नीच आदमी है ऐसा मैंने सुना था, अब विश्वास भी हो गया है। सनी पैक अप। तुमको मेरे बारे में मालूम नहीं है? मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है। आपके संबंध गैंगस्टर रैना से हैं। दुबई में उसकी बेटी की शादी के दौरान जो आपने किया था, मेरे पास उस रिसेप्शन पार्टी का वीडियो टेप है। उस वीडियो टेप में आपके माफिया दोस्तों को रिवील करने के सारे सबूत मौजूद हैं। अब जब मैं बाहर निकलूंगी तब पूरी जनता के सामने होगा आपका असली चेहरा। सनी जैकी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। टेल मी रैना। CNN की एक रिपोर्टर है, उसका नाम है क्या? हाँ, आरती मेनन। उसका और हमारे हरी के बीच कोई प्रॉब्लम हो गई है। मेरे साथ उसके कुछ फोटोज को रखकर धमकी दे रही है कि हम दोनों का आपस में कोई बिजनेस रिलेशन है। जैकी, तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता। मेरे बारे में कोई कंट्रोवर्शियल न्यूज मीडिया में नहीं आनी चाहिए। तुम तो हरी के बारे में जानते हो ना? पागल आदमी है वो। इससे पहले कि वो कुछ ऐसी वैसी हरकत करे, तुम इस मैटर को किसी भी तरह खत्म कर डालो। ओके, डोंट वरी रैना, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओके। मिस आरती मेनन? यस। You know,
गेट इनसाइड। बेटी कहाँ है? बेटी जिसका एक्सीडेंट हुआ था? ओह, मीनू, वो मेरे घर के ओनर की बेटी है। एक्चुअली उसको उस दिन स्कूल से वापस लाते वक्त एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन मैं आपको थैंक्स भी नहीं बोल पाई थी। तो अभी बोल दो। थैंक यू। वेलकम। सर, आप करते क्या हैं? मैं छोटा सा बिजनेस करता हूँ। कैसा बिजनेस? पहले बिस्किट का धंधा था, अभी कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन। ओह, काफी फायदा होता है। यस यस, कभी फायदा होता है और कभी नुकसान। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर, वन मिनट। उस दिन आप मुझे मिले, वो एक्सीडेंट था, लेकिन आज की मुलाकात से मुझे सरप्राइज हुआ। You are Aarti Menon. Yes, sir. Your good name? Good name? Mm-hmm. पता नहीं ये good name है या नहीं। I am Jackie. Sagar alias Jackie. नाना को दो। नाना को दो बेटा। दो, दो? एक बार और दो। लो। क्या बात है? एक बार और। अब एक जो बार सुना क्या सही है? क्या सुना है तुमने? आप दिल्ली जाने वाले हैं बेटी और दामाद के साथ, तो इसमें तुम्हारी मंजूरी चाहिए। मेरी मंजूरी की कोई जरूरत नहीं है। बेटी को ले जाकर राज्य का MLA या मंत्री बना दीजिए मेरी बला से। पापा, मैं कहीं नहीं जा रही। मेरी वजह से आपको किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं। बस मेरा बेटा, बस बस बेटा। नहीं, वो लोग कहीं भी नहीं जा रहे। हमें अभी इसी वक्त यहाँ से जाना है। यहाँ मैं और नहीं रह सकता। तो तेरी तो की ऐसी की तैसी। बेटी और बाप को कुछ भी करने दो, मैं अब बाप के पैर के नीचे और नहीं रह सकता। सुनिए तो, मुझे सब समझ में आता है। वो आदमी सिर्फ राज्य के लिए ही नहीं बल्कि अपने ही घर में भी ग्रुप बनाता है। कोई भी निश्चय करने से पहले सोचिए और फिर कीजिए। आप एक MLA होकर पंचायत मेंबर होंगे तो क्या चलेगा? और मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा राजनीतिक कैरियर बर्बाद करने के लिए बाप और बहन को साथ रखकर खेल रहा है वो जैकी। इस पे तो कोई भी रिएक्ट करेगा। रिएक्ट मत कीजिए, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन ऐसे रिएक्ट मत कीजिए। दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं राजनीति करने वाले। आपके पिताजी को देखा है आपने, कितना स्मूथली बिहेव करते हैं सबके साथ। नहीं भी समझे तो भी अपने दुश्मन को दोस्त बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगाते हैं वो। कल तक जो भी हुआ वो हम भूल जाते हैं, लिखित वादे और देने के पैसे भी। लेकिन वो आई वॉन्ट जैकी इन एनी प्राइस। कब चाहिए? जावेद, जावेद सब देख लेगा। और उसको टपकाते वक्त तुम दोनों को भी वहां रहना होगा।
ये मेरा आदेश है। बाला सर, हम अभी आ रहे हैं, जरा ठीक है सर? ठीक है हाँ। कुछ भी हो रहा है तुमने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तुझे देखने मेरे दो दोस्त भी आए। इसके लिए थोड़ा खर्चा भी हुआ तो मैंने वो नुकसान उठा लिया। हमने इनको क्यों बुलाया है तू तो समझ गया होगा। गुड बाय जैकी, शूट हिम डाउन जावेद। रोसारियो, अभी तक तुम्हारे सारे प्लान्स करेक्ट थे, इसको छोड़कर। समझ गया था लेकिन तुम क्यों नहीं समझ सके? अगर वो लोग ट्रिगर दबा देंगे तो तू अपने बाप और दादा के पास पहुंच जाएगा। कुछ गुंडों के साथ
और इन नए दोस्तों के साथ मिलकर तू मुझे खत्म करने का ख्वाब देख रहा था? अरे पैसा फेंको तो इनसे भी बड़े कमीने और गुंडे मिल जाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे इस दोस्त को मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन एक ऐसा है जिसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। तो आदमी है या हिजड़ा है, मेरी समझ में यह नहीं आता कि तू है क्या चीज, कितने पैसे लिए तूने। मैं किसी को भी माफ कर सकता हूं, लेकिन एक धोखेबाज को नहीं। शायद तुझे इस बात का एहसास नहीं कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूं, और यह सब उसी का नतीजा है। यहां पर तो जो हमारे दुश्मन हैं, वो भी हमारे अतिथि हैं। सागर की तूने दोस्ती देखी है, लेकिन जैकी की दुश्मनी नहीं। टेक केयर। रैना, दोबारा यहां आने का क्या मकसद है? फिर से भांजी की शादी है क्या? नो, नथिंग, सिर्फ तुमसे मिलने आया हूं मैं। बैठो। नहीं ठीक है, तुम्हारा और रोजारियो का जो टेंशन चल रहा है उसे खत्म करना होगा। तुम दोनों आपस में ऐसे ही लड़ते रहोगे तो हम सबके बिजनेस पर असर पड़ेगा। यहां जो भी हुआ उसे भूल कर कॉम्प्रोमाइज कर लो, क्या कहते हो? रैना, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है, इसीलिए हम सब यहां पर खड़े हैं। अगर रोसारियो के साथ सब कुछ सही भी हो गया तो भी दुश्मन को छोड़ना मेरी आत्मा कभी गवारा नहीं करेगी, और क्योंकि तुम दोनों जिगरी दोस्त हो इसीलिए हम इस बात पर डिस्कस नहीं करेंगे। रहना, उस बात को छोड़ दो। ओके, उसे छोड़ देते हैं। लेकिन जैकी, तुमको मेरा एक फेवर करना होगा। गोवा में मेरा एक कंसाइनमेंट उतरने वाला है। मुंबई गोवा की प्रॉब्लम की वजह से वो कंसाइनमेंट मैं उतार नहीं सकता, इसीलिए मुझे कंसाइनमेंट को कोची में या फिर केरल में कहीं उतारना होगा। उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रैना, ड्रग्स और हथियार से भरे जहाज को तुम्हारे रोसारियो ब्रदर्स इंडिया में कई स्थानों पर उतारते थे, ये मुझे अच्छी तरह पता है। मासूमों और बेगुनाहों की जान लेने वाले इस बिजनेस के मैं हमेशा ही खिलाफ रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। रैना, ना तो मैं उसे उतारूंगा और ना ही किसी और को उतारने दूंगा। दुबई में ही तुझे टपका देना चाहिए था। तुझे इसलिए छोड़ा था कि जरूरत के वक्त तू मेरे काम आएगा। तुझे छोड़कर गलती की मैंने। मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी महंगी है या सस्ती, लेकिन एक बात की तो पक्की गारंटी है कि हम दोनों मरने के बाद स्वर्ग में तो नहीं जा सकते। सो सी यू इन हेल एंड प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। तुम किससे बात कर रहे हो मालूम है तुम्हें? रैना। आज से तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। अब जितने भी दिन बचे हैं उन्हें अच्छी तरह से जी ले। अरे मामा, बेकार के इस तरह के डायलॉग बोलकर मुझे धमकाओ मत। जाकर मेरी मामी की चक्की पीसने का काम देखो, मेरे पास आकर घंटी मत बजाओ। देख लेंगे। माफ कर दो रोसारियो, जैकी से बढ़कर नहीं है मेरे लिए पैसे। ये पैसे मैं ही रख देता हूं, तुमसे लिए हुए कर्ज को सूद के साथ वापस कर दूंगा। आई एम सॉरी। मेरी इंदु, तुमको जो चाहिए बोल दो, मैंने जो भी किया है वो गलत था, ये मुझे मालूम है,
इतना पैसा देखकर एक मिनट के लिए मैं सब कुछ भूल गया था, सारे रिश्ते भूल गया था। तुम्हें मालूम है ना, जिसका कोई भी आदर्श नहीं था, ऐसे पिता का बेटा कहलाकर बड़ा हुआ था, वो आदर्श मुझे सिर्फ कॉम्प्लेक्स के सिवाय कुछ भी नहीं दे पाया। पावर और पैसे वाले तुम्हारे खानदान के साथ जब मैं आया था, तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे पास कुछ नहीं था, और तुम लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं तो जिंदगी से हार चुका था, मैं समझ नहीं पा रहा था कल मैं अपने बच्चों के सामने कैसे खड़ा रहूंगा, मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया। सागर से बदला लेने के लिए मैंने उस वक्त फैसला किया था, अब सागर कभी भी पुराना दोस्त मानने को तैयार नहीं होगा। अब मुझे सारी की सारी बातें उसे साफ साफ और खुलकर बतानी होगी। अब कुछ भी उसे नहीं छिपाऊंगा मैं, यही मेरा प्रायश्चित है। इस तरह जरा से लालच के लिए कोई इंसान ऐसा करता है क्या? एक बार तुमने गलती की, पर मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा और तुम्हारा साथ दिया ना, तुम कभी तो सुधरोगे, ऐसा मेरा विश्वास था। लेकिन इस बार मैं बीच में नहीं आऊंगी, तुम खुद ही सागर को फोन कर लो। मनु, 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 ये क्या हो गया? मुझे उससे क्या हो गया तुम्हें? मनु, मनु, क्या हो गया? मनु उठो। Thank you.
हेलो हेलो सर। क्या हुआ, कैमरा भी नहीं, क्रू भी नहीं और अकेली बैठी हो? सर, मनु के बारे में फैली हुई खबर आपको बताना चाहती हूँ, इसीलिए आपसे मिलने आई हूँ। अभी मीडिया और पुलिस आप पर फोकस कर रही है सर। यही नहीं, इन्वेस्टिगेशन के लिए एक नया ऑफिसर भी लाया गया है। ये सब एक प्लान है सर, अगर ये प्लान कामयाब हुआ तो आप फंस जाएंगे। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये अच्छी तरह से पता है। अभी भी आरती मुझ पर विश्वास नहीं कर रही है ना? ऐसा नहीं है सर। लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी से स्नाइपर गन से शूट किया गया होगा। तुम्हारे बोलने का मतलब मर्डर किसी बाहर के आदमी ने किया है? मनु के दुश्मन तो बहुत थे, उनके स्टेटस और सिचुएशन को देखने पर बाहर के किसी आदमी ने मर्डर किया होगा, ऐसा ही लगता है। लगता है वो एक गेस है। इट्स नॉट अ वाइल्ड गेस। देखो, इस इन्वेस्टिगेशन को और कॉम्प्लिकेटेड मत करो। खूनी को पकड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। जान रहे हो ना, स्नाइपर के मालिक के जन्म पत्री निकालने में वक्त बर्बाद मत करो। जैकी को अरेस्ट करो। सर, बिना किसी सबूत कैसे? क्या सबूत हमारे आदमियों को बनाना नहीं आता? तो सबूत हम बनाएंगे। क्या हुआ सर, पूरी फौज के साथ काम क्या है सर? मैं फौज के साथ ही जाता हूँ। सही बात है, पुलिस वाले हैं ना। जैकी कहाँ है? बैठिए तो सर। हम यहाँ पर अपने काम से आए हैं, हट जाओ। रुकिए सर, अंदर नहीं जा सकते, जैकी जी खुद यहाँ आएंगे। नो। रुको। मिस्टर सागर, हम यहाँ पर किस लिए आए हैं ये आप समझ गए होंगे। I don't know। क्यों बेकार में समय खराब कर रहे हैं सर, जिस काम के लिए आए हैं वो काम तो बताइए सर, am I right? हमें मनु के खून के सिलसिले में आपको कस्टडी में लेकर कुछ सवाल पूछने हैं। सवाल पूछने के लिए कस्टडी क्यों? सवाल ही पूछना है ना। तुम मुझे मेरा काम समझा रहे हो क्या? कस्टडी में लेना है या नहीं वो मैं तय करूंगा। सर, सब आप ही तय करोगे तो कैसे चलेगा? आप उसके बारे में जानना चाहते हो जो मुझे पता नहीं। सॉरी, इस देश में हर इंसान की तरह मुझे भी कुछ अधिकार मिले हैं। मनु का खून मैंने किया है, इसके पीछे मेरा हाथ है। इस बात का क्या कोई सबूत है आपके पास? मुझे अच्छी तरह पता है कि आपके पास ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह है। मैं सही कह रहा हूं ना? और है तो आप शक के आधार पर मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सबूत या गवाह नहीं है तो कोर्ट के कागजात आप मेरे वकील को दे सकते हैं। वकील, अगर इनको कुछ डाउट हो तो क्लियर कर देना। नया नया पुलिस वाला है, कम। वो कानून बहुत जानता है सर। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसको हमसे भी बेहतर कानून पता है। अगर जबरदस्ती कस्टडी में लेंगे तो वो हमारे खिलाफ हो जाएगा। निर्धन और कानून को जानने वालों से हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसे बहुत बार फंस जाने का अनुभव हम पुलिस को है। कोई ठोस सबूत होना जरूरी है। अभी तक सागर के खिलाफ कुछ नहीं मिला। अच्छा, ऐसा है तो तुम्हें कितने सबूत चाहिए, कितने गवाह चाहिए? वो मैं दूंगा। वो काफी है सर, वो काफी है सर। इनको तुमसे कुछ पूछना है? वो कुछ भी नहीं है मैडम, हम तहकीकात करके काफी एरिया कवर कर चुके हैं और उसमें कुछ। मैं साफ साफ बताता हूँ, मनु का खून सागर ने किया है, ये साबित हो गया है। लेकिन उसमें इन्हें कुछ और जानकारी चाहिए। वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए मैडम। तुम्हें काम समझ में आ गया है ना, तुम्हारी गवाही भी चाहिए। शूट करते हुए खूनी को देखा था और वो जैकी था, बस इतना काफी है। इसी वक्त हम जैकी को अरेस्ट कर लेंगे।
जो मैंने नहीं देखा वो मैं कैसे बोल सकती हूँ? देखा या नहीं देखा इससे कोई मतलब नहीं, उस कुत्ते को अरेस्ट करने के लिए ये काफी होगा। मनु का खून जैकी ने किया होगा ये मैं विश्वास नहीं कर सकती। फिर उसका खून किसने किया? मेरे पति मनु को मारने में मेरे भाई का हाथ था, इस बात पर तो मैं विश्वास कर सकती हूँ, लेकिन सागर ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पूरा विश्वास है मनु और सागर का जो रिश्ता था वो मुझे अच्छी तरह से मालूम है। माफ कीजिए सर, मैं अपनी आत्मा के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा? जैकी तेरा लगता क्या है? Shut your mouth। दुख मुझे हुआ है, सिर्फ मुझे। मेरा पति छिन गया है मुझसे और उस दुख में रोने की शक्ति तक नहीं है मुझमें। और इतने दिनों बाद तुम मुझे तसल्ली देने आए हो। सॉरी। सागर एलियास जैकी पावर ब्रोकर है, ऐसी कहानियां मैं इतने दिनों से सुनती आ रही हूँ। मैंने अपने मन में आपकी एक इमेज बनाई थी, एक ब्रूटल गैंगस्टर, राइट? सागर बहुत ही नेक और भावुक इंसान है, ये बात भी सुनी थी, वो भी एक औरत से। सीएम के घर पर हुई मीटिंग की इन्फॉर्मेशन देखने के बाद पुलिस और रिश्तेदारों का कहना है कि उन्होंने आपके खिलाफ गवाही दिलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सीएम की बेटी को विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति के खून के पीछे सागर का हाथ है। इंदु ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि आप ऐसा कर सकते हैं। आपके लिए उनके दिल में इतनी इज्जत और विश्वास देखने के बाद मेरे दिल में भी आपके लिए एक अलग और खास जगह बन गई है। सागर, आई रिस्पेक्ट यू फॉर वॉट यू आर। आई डोंट नो नथिंग। See you. इंदु, बहुत दिन बीत चुके हैं, तुमसे ऐसा बोलते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मनु की मौत हो गई है और यही हकीकत है, and we have to accept it। सागर, हमारे जिंदा रहने तक ये दुख खत्म नहीं होगा। इस घर में अकेले रहने से तो अच्छा है कि तुम अपने पिताजी के घर पर रहो। नहीं सागर, अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। मेरे पति की मौत हुई थी यहाँ पर और मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मरने से पहले सागर से माफी मांगनी है ऐसा कह रहे थे। सागर, मेरी एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट मत करो, बोलो। मनु के खून के केस का जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें मेरा विश्वास नहीं है। उनके खून का मकसद क्या था और उनका खूनी कौन था ये मुझे पता करना है। सागर, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मनु का खून और उसके बाद ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ये सब मुझे फंसाने के लिए है। इसके पीछे जिसका भी हाथ है, चाहे वो कोई भी हो, वो हमारे देश में कहीं भी छुपा हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इट्स अ प्रॉमिस। शेख इमरान, इसका कहीं भी ठिकाना नहीं, ये फ्लाइंग किलर है और इंटरनेशनल मार्केट में इसका नाम है स्नाइपर शेख। एक हफ्ता पहले ही ये गोवा में आया था और मनु के खून के पीछे इस शेख का ही हाथ हो सकता है।
अभी तक उसने इंडिया नहीं छोड़ा है। अगर वो इंडिया में रुका है तो जरूर कोई और मिशन होगा, और वो कभी भी यहां पर अचानक आ सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। बी अलर्ट। डोंट वरी जैकी, डरने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ अशोक देख लेगा, सब डील कर लेगा। इसी के लिए तो मैं पैदा हुआ हूं। अरे भागो!
वर्ल्ड का सदस्य शेख इमरान जो पकड़ा नहीं जा सका था उसकी लाश अभी अभी समुंदर के किनारे मिली है। इमरान शेख इंडिया में रहकर विदेशी हथियारों का बिजनेस करता था। वो माफिया किंग रैना का राइट हैंड था, उसका बिजनेस वही हैंडल करता था। ये सनसनीखेज खबर देने वाली मुंबई से CNN के लिए कैमरामैन सनी के साथ आरती मेनन। जैकी। यस रोसारियो। एक अच्छी खबर तुझे सुनाता हूँ। रैना का फोन आया था। शेख के मरने के बाद तुम्हारी ताकत कम हो गई है। उम्मीद है तुम्हें याद होगा, मेरे ब्रदर्स की ताकत कम दिखाने के लिए मैंने ही उसको वहां भेजा था। मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा भी रखा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। गर्मी कम होने के पहले तुम वहां पहुंचो, देखता हूं तुम उसे बचा सकते हो या नहीं। आखिर मैं किस लिए हूं? अच्छा? मेरा नाम है अतरंगी अशोक। क्या बात कर रहे हो? अजहर कहां है? किसी ने उसे बुलाया, इसलिए दुकान पे गया है। उसे फोन करो, मुझे उसे मिलना है। जॉनी, तुम तुरंत दुकान जाओ और उसे लेकर आओ। ए, क्या हुआ जैकी? कुछ नहीं, मैं बस अभी आया। आज इसे हो क्या गया है, मुझे छोड़कर जा रहा है? एक्चुअली नस कटने की वजह से खून काफी बह गया है। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। पेशेंट आपसे मिलना चाहती है, यू कैन कम विद मी। दुख हो रहा है, लेट क्यों हुआ है ना? सागर के साथ मैं जीना चाहती थी, मैं उससे प्यार करने लगी थी। शायद मैं भी एक तरह से लेट हो गई।
एलियास, जैकी, आई एम ग्लैड आई मेट यू. For what you are. बे, किसी छोटे बच्चे से नहीं, मुख्यमंत्री के बेटे के साथ खेल रहा है तू. एक फोन कॉल में मैं तेरी लगा दूंगा. इस दुनिया में नहीं देख पाएगा तू. मेरी एक लात की मार पर मुख्यमंत्री का बेटा तो क्या, बल्कि कोई भी आदमी खुद को पहचान नहीं पाता है. जैकी, मुझे मत मारना. उस लड़की को मैंने नहीं मारा. रैना और ओसारियो के धंधों में तुम्हारा कितना हिस्सा है? अपनी सगी बहन को विधवा बनाकर तू ये खेल खेल रहा है? बता किसके लिए. कसम खा के कहता हूँ, मैंने मनु को नहीं मारा था. मनु को तुमने मारा होगा, इस पर मैंने भरोसा कर लिया. रैना और रोजारियो ने मुझे यही कहकर भरोसा दिलाया था कि मनु के खून के बाद इंदु के अलावा सभी लोग तुम्हारे खिलाफ थे. मैं समझ गया था, लेकिन इंदु की वजह से प्लान बेकार हो गया. मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ उनकी मदद कर रहा था. मुझे कुछ मत करना. तेरे दोस्त रोसारियो से मैं मिलने जा रहा हूं. टू सी हिम ऑफ. Jackie, I must say that you are a special mold. जैसे तुम यहाँ अकेले चले आए, तुम्हारी ये हिम्मत मुझे बहुत पसंद आई. And she loved you a lot, है ना? वो लड़की तुम्हें बहुत प्यार करती थी. उसकी नस काटते वक्त जब खून निकल रहा था, तब वो सर तुम्हारा ही नाम ले रही थी कि तुम आओगे
उसे बचाओगे। उसे तुम पर बहुत भरोसा था। You bastard! तुम्हें यहां मेरे सामने आने के लिए और तेरे चेहरे पर यह दर्द देखने के लिए ही मैंने उसे मार डाला। साइमन, 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 नो, नो साइमन, नो, साइमन, नो, नो। तेरे और रैना के बीच में मेरी तरफ से एक नया मोड़। करें जाके। Thank you.
by my friend. जैकी अभी कहाँ है? हेलो जैकी, अच्छे हो ना? बहुत दिन हो गए देखे तुम्हें। रैना, मैंने तेरे से बोला था ना कि हमारी मुलाकात स्वर्ग में नहीं होगी। अब हमारे बीच में बहुत कम फासला रह गया है, या तो अब तुम रहोगे या मैं रहूंगा। As I told you, see you in hell, and hell is right here, रैना। बॉम के फटने से टॉप अंडरवर्ल्ड रैना मारा गया है। इस अंडरवर्ल्ड हमले के पीछे कौन है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। दुबई पुलिस ने इस हादसे का खुलासा किया है। हेलो इंदु, जैकी, मैंने जो कहा था वो किया। बेटा जब बड़ा होगा तो उसे बताना। उसकी बाप की मौत का बदला लेने का हिसाब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। Sergeant Elias Jackie.